आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसके चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है हमारा? अध्यादेश। दूसरा विकल्प है अधिपति। तीसरा विकल्प है अधिग्रहण। और चौथा विकल्प है अधोमुख। अधोमुख, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा प्रश्न के हिसाब से, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है कि अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, उसमें हमारा पहला जो ऑप्शंस अध्यादेश है। अध्यादेश का अगर हम सभी विच्छेद करके देखते हैं तो इसका क्या होता है? अधि प्लस आदेश, ठीक है। तो इसमें अधि लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में क्या है? अधिपति। इसका संधि विच्छेद करते हैं अधि प्लस पति, तो इस ऑप्शन में भी अधि लगा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में क्या है? अधिग्रहण। इसका विच्छेद करके देखते हैं तो अधि प्लस ग्रहण, यानी इसमें भी अधि लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारा क्या बच गया? अभी हमारा ऑप्शन डी बच गया है, अधोमुखी। अधोमुख का अगर हम संधि विच्छेद करके देखते हैं तो क्या होता है? अध प्लस मुख। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे उपसर्ग क्या है? अधा लगा हुआ है, लेकिन अधि नहीं है। इसका मतलब इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? अधोमुखी। क्योंकि अध्यादेश में भी अधि लगा हुआ है, अधिपति में भी अधि लगा हुआ है, और अधिग्रहण में भी अधि उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अधोमुख की बात करें तो अधोमुख में उपसर्ग अधि नहीं लगा है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, अधोमुख। अधोमुख हमारा सही। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।